आखिर क्यों प्रियदर्शनी नहीं हो रही है गिरफ्तार? ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर एक के दिमाग में काफी ज्यादा चल रहा है। जो कैब ड्राइवर प्रियदर्शनी को छूता तक नहीं है, हाथ भी नहीं लगाता और कुछ कहता भी नहीं है, उसके खिलाफ प्रियदर्शनी एक कंप्लेंट करती है और 24 से 28 घंटों के लिए उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। कार को जब्त कर दिया जाता है, उसके भाई को जेल में बंद कर देते हैं, जबकि वो लखनऊ अवध क्रॉसिंग पर मौजूद भी नहीं थे। पर जिस लड़की ने ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारे, उसका 25,000 का फोन तोड़ा, उसके पैसे लूटे, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। ऐसा क्यों? क्या वो एक लड़की है, इस वजह से पुलिस नहीं कर रही कुछ? क्या उसके पीछे बड़े पॉलिटिकल लोग शामिल हैं, इसलिए पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही? क्या वो काफ़ी बड़े पैसे वाले घर से बिलोंग करती है, इसलिए पुलिस वाले उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे? या फिर पुलिस वाले प्रियदर्शनी से डरते हैं? तो हम आपको बता दें कि वो कारण पॉलिटिकल सपोर्ट या पैसे वाली फैमिली से बिलोंग होना नहीं है, बल्कि वो कारण है इस लड़की का पागलपन और बेतुकी बातें करना और अपने दिए हुए हक का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। अगर आपने प्रियदर्शनी की अपने पड़ोसी के घर पर काला पेंट करवाने वाली वायरल वीडियो को देखा होगा, तो आप उसमें साफ देख सकते हैं कि कैसे ये लड़की पागलों जैसी बातें कर रही है। और इस बात का प्रूफ उस वीडियो में इससे खुली दे दिया, ये बात कह के कि उनके घर के पास इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं, उनके घर को खतरा है। ये लड़की ऐसी हरकतें लगातार काफ़ी टाइम से करते हुए आ रही है, जिस वजह से पुलिस वाले शांति से प्रियदर्शनी को वहाँ से जाने के लिए इस वीडियो में कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इसे कुछ भी कह दिया तो ये नौटंकी करने लगेगी, ड्रामे करने लगेगी, जिस वजह से पुलिस वालों के लिए मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। और इसी वजह से लखनऊ अवध क्रॉसिंग की वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिस वाले भी इस लड़की से दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि उस एरिया की पुलिस इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि इससे कुछ भी कहना उनकी जान आफत में डाल सकता है, और इसी वजह से पुलिस इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से डर रही है। भैया, आपको क्या लगता है, पुलिस वाले कब इस लड़की को गिरफ्तार करेंगे और एक्शन लेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करके लोगों तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि उनको भी पता चले कि इस लड़की की असलियत क्या है। और अगर सादत को इंसाफ दिलाना है तो हम सभी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटेगी।